हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्क चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। स्टैट प्रो की आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्लोर लोड, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लोड है आपका फ्लोर लोड, इसको हम बोलते हैं स्लैब लोड भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं स्टैट प्रो में। स्पेस, हम बात कर रहे हैं फ्लोर लोड की। मीटर यूनिट एंड फोर्स किलोमीटर। सबसे पहले एक बिल्डिंग की मॉडलिंग कर लेते हैं, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। फिर उस पर हम स्लैब का लोड कैसे लगाते हैं उसके बारे में देखते हैं। मैंने सबसे पहले एक जॉइंट बनाया, यहाँ पे क्लिक किया, ग्रिड प्रॉपर्टी क्लोज की, नोड कर्सर से इस नोड को सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट टूल। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। और ये मैंने ले लिया स्टेप 5, रैंडमली एक समय से साइज ले रहे हैं, स्पेन साइज, और 3-4 स्पेन ले लेते हैं। अब हम बीम कर्सर से इसको सिलेक्ट करके जेड डायरेक्शन में भी हम इसी तरह ले लेते हैं। तो ये एक प्लान बन गया। अब इसको हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके ट्रांसलेट टूल में फ्लोर हाइट 3, नंबर ऑफ स्टोरी 10 और लिंक कर लेते हैं। बेस बीम डिलीट कर देते हैं कीबोर्ड के डिलीट बटन से और इस पर सपोर्ट भी लगा लेते हैं। जनरल सपोर्ट क्रिएट फिक्स सपोर्ट लगा लेते हैं। फिक्स पे क्लिक किया मैंने, फ्रंट व्यू पे मैं जाऊंगा और ड्रैग करके नीचे के नोट सेलेक्ट कर लूंगा तो सारे नोट सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये मैंने अप्लाई कर असाइन कर दिया। ये आपका बन चुका है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब देखिए, एक काम करते हैं, इस फ्लोर को समझने के लिए ना छोटी बिल्डिंग लेते हैं। हमने स्पैन ज़्यादा ले लिए हैं तो मैं क्या करता हूँ, 2 स्पैन ले लेते हैं केवल। इधर भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बिल्डिंग ही है। इधर से भी डिलीट कर देते हैं। अब ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें भी एक चीज करते हैं, हम इसकी सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक बनाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें है जो मैं समझाना चाहता हूँ अनसिमेट्रिक बिल्डिंग में ही समझाएंगी, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए हमारी ये एल टाइप की बिल्डिंग बन गई है। एक बार 3D में देखते हैं, ये देखिए इस टाइप की। ठीक है, आप देखिए स्टार्ट करते हैं फ्लोर रोल लगाना। सबसे पहली बात, लगेगा कहाँ, तो फ्रंट व्यू पे जाता हूँ। देखिए स्लैब यहीं तो बनेगी आपकी, ये स्लैब बनेगी, यहाँ पे एक स्लैब बनेगी, है ना। अगर मैं इतने फ्लोर को सिलेक्ट करके न्यू व्यू पे जाता हूँ तो देखिए इसमें यहाँ के ऊपर स्लैब ही तो बनेगी आपकी, है ना। ये यहाँ सब जो है ना स्लैब बनेगी। ठीक है, उस स्लैब का लोड क्या होगा आपका, वो किसके ऊपर आएगा, इन चारों बीम के ऊपर, 1, 2, 3, 4। इसी तरह इस स्लैब का लोड भी चारों बीम पे, इस स्लैब का लोड भी चारों बीम पे। तो देखिए यहाँ जो स्लैब बनेगी, अब डिपेंड करता है कि वो लोड जो लगेगा इन बीम के ऊपर, स्लैब का ट्रांसफर होगा वो किस तरह से होगा। तो देखिए अगर वन वे स्लैब है, वन वे मीन्स लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन ग्रेटर देन 2, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, स्लैब का आधा लोड, यानी कि स्लैब है इसका आधा लोड लॉन्गर बीम पे UDL की फॉर्म पे, और आधी स्लैब का लोड इस वाले बीम पे UDL की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इन दोनों बीम पे कोई लोड नहीं होगा, इन दोनों बीम पे। ठीक है,
अगर वन वे स्लैब है, अगर टू वे स्लैब है और हमारी जो स्लैब है वो रेक्टेंगल है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में, इस तरह से। ठीक है, यानी कि अगर ये स्लैब बनाई जाए चारों बीम के ऊपर, तो स्लैब के इस ट्रायंगल पार्ट का वेट वो इस बीम के ऊपर आएगा, और इस पार्ट का ट्रेपेजॉइडल का इस बीम पे आएगा, और इस पार्ट का इस बीम पे, और इस पार्ट का, यानी चारों बीम पे लोड आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर हमारी स्लैब स्क्वायर है तो अभी टू वे कहलाएगी, तब आएगा हमारे में ऐसे इक्वल आएगा चारों बीम पे ट्रायंगल को में, इतनी ट्रायंगल स्लैब का वेट लोड वो इस बीम पे आएगा, इसका इस बीम पे, इसका इस बीम पे, इसका इस बीम पे, इस तरह से। ठीक है, लेकिन स्टैट प्रो को नहीं पता कि कौन सी वन वे है कौन सी टू वे स्लैब है, वो हमें डिफाइन करनी होती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक टू वे लगाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फुल स्ट्रक्चर यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ जाएंगे लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस पे केस बना लेते हैं, केस बनेगा तभी लोड लगता है। डेड लोड डीएल है क्लोज, इस डेड लोड पे क्लिक किया, फिर ऐड किया मैंने, तो ये आता है फ्लोर लोड। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में रख लेते हैं, देखिए और साइड में। सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है आपका कि किस रेंज में लगाना है लोड। ठीक है, तो देखिए हमें ये डायरेक्शन क्या है हमारी, वाई है ना, और हमारे जो स्लैब है वाई डायरेक्शन में ही है। देखिए एक स्लैब ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही है ना, तो रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक हो गई, यहाँ जीरो से लेके यहाँ तक, या जो भी इसके यहाँ पे ये एक डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, तो हमारी रेंज ये हो गई कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, वाई रेंज। ठीक है, पूछ रहा है प्रेशर कितना लगाना है। मान लीजिए सभी स्लैब पे, यहां से लेके यहां तक की जितनी भी स्लैब है सब पे 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है, तो -3 डाउनवर्ड के लिए माइनस। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, वाई डायरेक्शन है ना फोर्स की, ये हो गई। उसके बाद पूछ रहा है रेंज, देखिए अभी फिलहाल आप वाई को समझिए, वाई रेंज को, ये दोनों रेंज मैं इसके बाद समझाऊंगा, पहले आप वाई को समझिए। ठीक है, वाई रेंज क्या है, वाई रेंज क्या है हमारी, ये रेंज वर्टिकल। ठीक है, तो देखिए वाई रेंज मैंने डाला जीरो, नहीं एक दूसरे तरीके समझिए, मान लिया आपको इस स्लैब पे लोड लगाना है, इस स्लैब पे लोड लगाना है। ठीक है, तो आपको तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नोट कर्सर लिया और इस स्लैब के यहाँ पे क्लिक किया नोट पे, तो इस स्लैब की हाइट कितनी है, किस हाइट पे, 21 मीटर पे है ना, तो मैंने मिनिमम में डाल दिया 21। ठीक है, क्योंकि मुझे एक ही स्लैब में लोड लगाना है, केवल इसी स्लैब में लोड लगाना है, तो इसकी मिनिमम भी सेम होगी मैक्सिमम भी सेम होगी, मैक्सिमम में डाल दिया 21। ठीक है, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ क्लोज, इसे असाइन करने की जरूरत नहीं होती, केवल क्लिक करेंगे। देखिए ये देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इस फ्लोर को अलग से ले लेते हैं जब सही समझ में आएगा। इसको सिलेक्ट किया फ्लोर को मैंने और नहीं व्यू कर लिया। ठीक है, और इसमें भी क्या करते हैं, केवल एक स्पैन को ले लेते हैं, इसमें देखिए मैंने कहा था कि अगर स्क्वायर है तो किस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि ये जो ये स्लैब के इस पार्ट का स्लैब के लोड किस पे आ रहा है, इस बीम में आ रहा है, ये लगा हुआ इस तरह चारों बीम पे लगा हुआ है। ठीक है, अब पूरी स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये देखिए। अब मुझे लगाना है सेम प्रेशर इस पर भी और इस पर भी, इन दो पे सेम प्रेशर लगाना है। ठीक है, तो सेम प्रेशर अगर इन दोनों पे आप लगा रहे हो, तो नोट कर्सर से आप देखोगे कि इसकी रेंज ये कौन सी हाइट पे, 21 मीटर पे, और ये वाला ऊपर वाला फ्लोर किस पे है, 24। तो रेंज क्या हो जाएगी लोड की, इस लोड पे डबल क्लिक करके ऐड कर देता हूँ, 21 से 24, यानी कि इस रेंज में जो भी स्लैब होगी उन पे लोड लग जाएगा। देखिए ये लग गया, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह अगर इस पे भी सेम प्रेशर है, तो इस पे अगर सब पे सेम प्रेशर है, तो हम यहां से यहां तक की रेंज डाल देंगे, यहां से यहां तक की रेंज। ठीक है, डाल के देखते हैं,
नोट कर्सर से डबल क्लिक किया, ये 3 मीटर पे है और टॉप पे क्लिक किया 30 मीटर पे है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया 3 to 30 और चेंज कर दिया। देखिए सब पे लग गया नोट, टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब डबल क्लिक किया मैंने इस पे, अब हम बात करते हैं, ये तो समझ गया वाई रेंज, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्स और जेड की रेंज, इनका क्या मतलब है। देखिए बिल्डिंग के टॉप व्यू पे जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस बिल्डिंग में ये पार्ट जो है, ये पार्ट शाफ्ट है या लिफ्ट है, तो यहां तो स्लैब होगी नहीं, ठीक है। तो इस एरिया में ग्राउंड से लेकर ऊपर तक या किसी भी दो फ्लोर में डबल फ्लोर की हाइट का फ्लोर है ना, तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं शाफ्ट है या फिर लिफ्ट है, इसमें ग्राउंड से लेकर ऊपर तक कोई स्लैब नहीं है, तो हम चाहते हैं स्लैब लोड यहाँ ना आए, ठीक है ना। लेकिन जब स्लैब लोड में वायर रेंज देते हैं तो तीनों जितने भी स्पैन होते हैं सब पे लग जाता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। अब इसमें एक्स और जेड रेंज देनी है, मैं क्या चाहता हूँ कितने पे लगे मेरा लोड, केवल इतने पे लगे, है ना, इस पे ना लगे। तो देखिए मैंने क्या किया, नोट कर्सर से पहले इस जॉइंट पे क्लिक किया, तो इसका एक्स कितना है 10 और जेड कितना है 10, है ना, मिनिमम। तो यहाँ पे एक्स डाला मिनिमम 10 और जेड डाला मिनिमम 10, ठीक है। अब मैंने देखा ये वाला कॉर्नर, ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर देख लेते हैं, इस कॉर्नर का देखा फिर तो दूसरे कॉर्नर का देखा, इसका हो जाएगा मिनिमम और इसका मैक्सिमम, ठीक है। तो इस नोट पे जब मैंने क्लिक किया तो एक्स कितना आ रहा है 15 और जेड कितना आ रहा है का 20, तो एक्स 15 और जेड 20 मैक्सिमम, ठीक है। अब मैंने इसे चेंज कर दिया, तो देखिए क्या हुआ, इस पे से लोड हट गया, है ना, ये देखिए, क्योंकि हमने इसमें रेंज दे दी कि नीचे से ऊपर तक सभी स्लैब पे लगे, लेकिन इस रेंज में हमने क्या रेंज दी है, ये रेंज दी है हमने, और ये हमारा यहाँ पर कोई स्लैब नहीं है। तो ये था आपका स्लैब लोड। अब मैंने कहा कि ये तो टू वे लगाता है, क्या वन वे स्लैब हो तब भी, तो देखिए यहाँ पे वन वे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और डिफॉल्ट लॉन्गर डायरेक्शन लेता हूँ और चेंज करता हूँ, एक सेकेंड, इसमें आपको रेंज चेंज करनी होगी, 3 से 3 कर लेते हैं, एक सेकेंड, 24 24, और मैं चेंज कर लेता हूँ, सॉरी ये समटाइम ये फ्लोर लोड ऐसे करता है, देखिए ओके, बिकॉज ऑफ लॉन्गर डायरेक्शन इसमें नहीं है, सारे दोनों इक्वल है, ठीक है, दिस की वजह से ही कर रहा है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें लॉन्गर डायरेक्शन देने के लिए मैंने क्या किया, इस जॉइंट पर क्लिक किया, ज्योमेट्री में गया, इस जॉइंट पर क्लिक किया और इस जॉइंट का एक्स जो है वो 30 मीटर है, 20 मीटर है, मैंने यहाँ से कर दिया 30 और एंटर, और इस जॉइंट पे भी मैंने क्या किया, इसका एक्स 30 कर दिया, इससे क्या हुआ, ये एक स्लैब बन गई, है ना, ये देखिए ये स्लैब बन गई है, एक स्लैब बन गई है। मैंने क्या किया, वन वे लोड दिखाने के लिए आपके लिए एक स्लैब बनाई है जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर पे नहीं लग पाता वो, अब हमें इस पे लगाना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, लोड एंड डेफिनेशन में गए, इस पे डबल क्लिक किया, 24 to 24 और रेंज दे देते हैं केवल इस स्लैब की, 15 और 10, एक्स है 15 और जेड है 10। मैंने कहा था ना आपसे कैसे हम दे देते हैं डायगनल, ये मिनिमम हो गई तो ये मैक्सिमम इस जॉइंट की, तो ये कितना है 30 and 15, एक मिनट,
इसका जेड है आपका 15 और एक्स है 30, और इसका एक्स है 15 और जेड है 10 और फ्लोर हाइट है 30। देखिए, ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा था आधा आधा लॉन्गर बीम पे आधा आधा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। टॉप व्यू से आप देखेंगे इसे तो ऐसे दिखाई देगा। कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये क्या किया, बीम ऐसे आगे बढ़ा दिए, ये केवल मेरे को एक स्लैब बनानी थी इस लॉन्ग रेक्टेंगुलर, इससे ये बिल्डिंग पूरी हमारी स्क्वायर बन गई है जिसकी वजह से वन वे लोड नहीं दिखा पा रहा था। ठीक है, तो ये था आपका फ्लोर लोड। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसमें सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। तो ये था आपका फ्लोर लोड जो बहुत ही काम आता है। अगर आपको अलग अलग स्टोरेज पे अलग अलग लगाना है तो आपको ऐड करना होगा। जैसे कि मान लीजिए टॉप पे लग गया, अब मुझे नीचे पे अलग इंटेंसिटी का लगाना है तो आपको एक अलग से लोड डिफाइन करना होगा, फ्लोर लोड ऐड, फिर उसमें वैल्यूज इनपुट करनी होगी, रेंज देनी होगी। क्योंकि जनरली बिल्डिंग में क्या होता है, जो डेड लोड होता है स्लैब पे वो ग्राउंड फ्लोर से बिलो द रूफ सेम होता है, रूफ पे अलग होता है, तो दो लोड केस या अदर कंडीशन होती है उसके वजह से हमें लोड केस अलग अलग डिफाइन करने पड़े। सॉरी, लोड केस नहीं, लोड पैटर्न। तो ये था आपका स्लैब लोड। प्लीज अगर आपकी हेल्प हुई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे व्यू घटते जा रहे हैं और सब्सक्राइबर भी घटते जा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना हो कि इतने घट जाएं कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊं। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आप फेसबुक पे 2 मिनट लगती हैं, शेयर कर सकते हैं आप, मेरी उससे हेल्प होगी। थैंक यू।